हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीबी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ थंब रूल फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। दोस्तों अगर आप कोई G+1 का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, राइट, और आप कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर की या फिर आर्किटेक्ट की हेल्प नहीं लेना चाहते, तो आप जो स्ट्रक्चर है, राइट, उसके अलग अलग जो कम्पोनेंट है जैसे की कॉलम है, बीम है, स्लैब है और फाउंडेशन है, राइट, इनके डायमेंशन क्या रखे, क्या मिनिमम डायमेंशन रखे जिससे आपका जो G+1 है वो सेफ रहे, राइट, तो वही दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा G+1 स्ट्रक्चर है, ये मेरा कॉलम है, ये मेरा बीम है, ये स्लैब है, ये फाउंडेशन है, राइट। तो इसके रिलेटेड जो थंब रूल है मैं आपको बता देता हूँ, क्या मिनिमम डायमेंशन होने चाहिए इस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के, वही दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि दोस्तों G+1 द मिनिमम साइज ऑफ कॉलम, राइट, मतलब G+1 के लिए आप मिनिमम साइज ऑफ कॉलम कितनी ले तो वो सेफ रहेगी। तो आपके कॉलम की साइज जो 9 इंच बाय 12 इंच, मतलब 225 mm बाय 300 mm रखेंगे तो वो सेफ रहेगा G+1 के लिए। फॉर बीम की बात करें तो फॉर G+1 द मिनिमम साइज ऑफ बीम शुड बी 9 इंच बाय 9 इंच, मतलब क्या है, आपके ये जो बीम है, राइट, इसकी साइज हमें 9 इंच बाय 9 इंच, मतलब 225 mm बाय 225 mm आप रखेंगे तो वो सेफ रहेगा G+1 के लिए। और फॉर G+1 मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब, मतलब जो आपका स्लैब है दोस्तों उसकी मिनिमम थिकनेस क्या रखे G+1 के लिए, तो 5 इंच, मतलब 125 mm की अगर आप थिकनेस रखेंगे G+1 के लिए तो बहुत ज्यादा वो सेफ रहेगी। ओके दोस्तों, स्लैब के लिए 5 इंच 125 mm थिकनेस इनफ रहेगी। और उसके बाद मिनिमम साइज ऑफ फाउंडेशन, दोस्तों फाउंडेशन की साइज कितनी रखे G+1 के लिए, तो 1 मीटर बाय 1 मीटर की जो साइज है, राइट, रेक्टेंगुलर कॉलम फुटिंग वो इनफ रहेगी। और 4 इंच की जो थिक डेप्थ है, मतलब 4 फीट, ओके, 4 फीट की जो डेप्थ है, राइट, 4 फीट की जो हमारी डेप्थ है ये 4 फीट है, ओके, 4 फीट डेप्थ, मतलब 1 मीटर के करीब ये डेप्थ इनफ रहेगी G+1 स्ट्रक्चर के फाउंडेशन के लिए, ओके। तो दोस्तों ये हो गया कि कॉलम, बीम, स्लैब और फाउंडेशन की डेप्थ कितनी रखे। अब इनका स्पेसिफिकेशन, मतलब रेनफोर्समेंट देख लेते हैं दोस्तों। तो रेनफोर्समेंट की बात करें तो अगर आप कॉलम ले रहे हैं G+1 के लिए तो उसके अंदर मिनिमम 4 नंबर्स ऑफ बार ऑफ 12 mm डाया विद 500 FE 500 स्टील आपको यूज करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद बीम के लिए 2 नंबर्स ऑफ बार 12 mm डाया इन बॉटम और 2 नंबर्स ऑफ बार 10 mm डाया एट टॉप एंड 8 mm का आपको स्ट्रेप लेना पड़ेगा मिनिमम। उसके बाद दोस्तों स्लैब की बात करें, अगर आप वन वे स्लैब ले रहे हैं तो मेन स्टील बार 12 mm एट 150 mm और 6 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होना चाहिए। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील ले रहे हैं तो 8 mm बार 150 mm, मतलब 6 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आपको लेना पड़ेगा वन वे स्लैब के अंदर। और टू वे स्लैब की बात करें तो मेन स्टील आपको 12 mm 130 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आपको लेना पड़ेगा या फिर 5 इंच का स्पेसिंग। और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आपको लेना पड़ेगा दोस्तों 8 mm का जो बार है वो, और 180 mm, मतलब 7 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। और दोस्तों फाउंडेशन की बात करें तो 6 इंच का PCC का आपको लेयर लेना पड़ेगा बॉटम में, और उसके ऊपर आपको रेक्टेंगल कॉलम फुटिंग लेना पड़ेगा और उसकी जिसकी थिकनेस होगी 300 mm, मतलब ये जो थिकनेस है वो 300 mm हमें लेनी पड़ेगी मिनिमम थिकनेस है अगर आप G+1 बना रहे तो। और स्टील मैच जो आपको इसके अंदर रखनी वो 8 mm बार 6 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दोनों तरफ से, मतलब जो स्टील मैच हम इसके रेक्टेंगुलर फुटिंग के अंदर रखेंगे वो। तो दोस्तों ये था दोस्तों स्पेसिफिकेशन के, अगर आप G+1 बनाना चाह रहे तो रेनफोर्समेंट डिटेल आपकी इतनी तो मिनिमम होनी चाहिए, इससे ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब क्या है कि आप 12 की जगह 16 भी यूज कर सकते हैं, ओके, 8 की जगह 10 भी यूज कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, बट ये मिनिमम है अगर आप G+1 बना रहे हैं, राइट। तो दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि G+1 अगर बना रहे तो मिनिमम डायमेंशन कॉलम का 9 इंच बाय 12 इंच, बीम का 9 इंच बाय 9 इंच, स्लैब की थिकनेस मिनिमम आपको 5 इंच की रखनी है, मतलब 125 mm की रखनी है, और आपको मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 4 फीट, मतलब 1 मीटर के करीब आपको डेप्थ लेनी है, और जो कॉलम फुटिंग की जो रेक्टेंगल कॉलम फुटिंग है वो आपको 1 मीटर बाय 1 मीटर का मिनिमम लेना पड़ेगा, ओके। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सीबी कॉन्सेप्ट, जिससे करके ऐसे जो वीडियो है दोस्तों वो आपको मिलते रहेंगे। Thank you for watching my video. Please subscribe my channel CB Concepts.